हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, आज सुबह ही एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है जो गाइस, जो न्यूज है 23 जून की है, यानी आज की न्यूज है। तो गाइस, न्यूज में क्या बताया गया है पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। गाइस, आपको सबसे पहले आपको बता दें कि जो न्यूज है ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के ऊपर है कि उनको क्या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी मास्क लगाना जरूरी है या नहीं। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि एग्जाम कैसे कराए जाएंगे और कब होंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप एक पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस, जैसे कि आप हेडलाइन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि यूपी पॉलिटेक्निक यूपी जेईई एग्जाम 2020 बिना मास्क पहुँचे तो नहीं दे सकेंगे यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। यानी गाइस, पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अगर आपको देना है, अगर आप उसके विद्यार्थी यानी उसके छात्र हैं, तो आपको मास्क लगा के जाना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, इसके आगे क्या सूचना बताई गई है पूरी जानकारी आपको स्टूडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस देखिए, आगे बताया गया है कि यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 और 25 जुलाई को होगी। इसमें बिना मास्क लगाए आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। यानी गाइस, जो हमारी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो है वो 19 जुलाई और 25 जुलाई को है, और जिसमें गाइस वही छात्र इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे जो मास्क लगा के अच्छे तरीके से अपना जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो गाइस, इसके आगे यह भी न्यूज़ बताई गई है कि यूपी पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 और 25 जुलाई को होगी। इसमें बिना मास्क लगाए आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको भी पीछे ही बताया है इसके बारे में। तो गाइस, आगे यह भी बताया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में ने ये निर्देश जारी किए हैं। प्रवेश परीक्षा सचिव एस के वैस के मुताबिक 19 जुलाई को इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम पाली में व फार्मेसी की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। यानी गाइस, जो 19 जुलाई को जो एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का, उसमें प्रथम पाली में हमारी जो है इंजीनियरिंग परीक्षा होगी, यानी ग्रुप ए का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और जो दोपहर की परीक्षा यानी जो दूसरी पाली की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो इसके आगे बताया गया है कि दोनों ही परीक्षाएँ लिखित होंगी, जबकि 25 जुलाई को प्रथम पाली में अन्य ग्रुप की व द्वितीय पाली में लेटरल एंट्री वालों की ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। यानी गाइस, 19 जुलाई को जो परीक्षाएं होने वाली हैं वह सुबह इंजीनियरिंग की और शाम को दूसरी पाली में फार्मेसी की वो परीक्षाएं ऑफलाइन करवाई जाएंगी। लेकिन जो गाइस, जो 25 जुलाई को परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसमें सुबह जो है सभी ग्रुपों की परीक्षाएँ करवाई जाएंगी 25 जुलाई को, और जो दूसरी पाली में लेटरल एंट्री वालों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो गाइज, लेकिन जो 25 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें खास बात यह है कि जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन करवाया जाएगा, यानी ऑफलाइन नहीं होगा। इसमें ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर बैठ कर एग्ज़ाम को देना है। तो गाइज, इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।